अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्लींजिंग का फॉर्मूला लेके आई हूँ। ये बेसिकली ये एक फेस के प्रोडक्ट्स है और बहुत ही ज़्यादा वेल नोन और अपने रिज़ल्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे जाने जाते हैं। ये आज मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, ये कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या है इनके अंदर। तो चलिए बताती हूँ आपको। फर्स्ट पे जो है ये नॉक्सिमा है। नॉक्सिमा जो है ये इम्पोर्टेड है, यानी ब्रांडेड है, और रिज़ल्ट जो है ये इसका बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट पे अगर इसकी बात मैं करती हूँ तो ये नॉक्सिमा का अल्टीमेट क्लियर एंटी ब्लेमिश डेली स्क्रब है। ये स्क्रब है, स्क्रब यानी फेशियल स्क्रब है ये। और फ्लेवर जो है इसका यूकलिप्टिस एक्सट्रैक्ट, यूकलिप्टिस का फ्लेवर है ये। उसकी एक्सट्रैक्शन से जो है ये तैयार किया गया है। और ये स्क्रब क्या करता है, बफ अवेज इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को जो है वो वैनिश करता है आपके फेस से। फॉर आई एंड इट गिव्स यू अ इवन टोन स्किन। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है जी वो है सैलिसिलिक एसिड विच डील्स विद एक्ने ट्रीटमेंट। तो ये जो है ये बेसिकली ये फेशियल स्क्रब है जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इसकी इंग्लिश में ही दी हुई है। और बाकी इसके फीचर्स जो मेन हैं वो ये हैं कि जी एंटी ब्लेमिश डेली स्क्रब है, सैलिसिलिक एसिड है टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट दी ब्लेमिश फॉर इवन टोन्ड क्लियर स्किन। ये इवन टोन्ड क्लियर स्किन सैलिसिलिक एसिड है इसके अंदर, जो एक्ने को जो है वो आपकी कंट्रोल करता है और आपको इवन टोन स्किन देता है क्लियर। डायरेक्शन इसकी जी वैसे रूटीन में जो आप यूज़ करते हैं फेशियल स्क्रब वही है सच, लेकिन इन्होंने बताया हुआ है कि आप फर्स्ट टाइम जो है इसको वन टाइम यूज़ करें इन अ डे, फिर जो है आप पीरियोडिकली इसकी बढ़ाते जाएं, वन टाइम कर लें, इसके बाद आप इसको टू टाइम कर लें और थ्री टाइम मैक्सिमम जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रब जो है ये बहुत अच्छा स्क्रब है, मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। नेट वेट जो है इसका 5 औंस है 141 ग्राम में। तो ये 141 ग्राम में जो है ये आपको एक, ये इसकी बड़ी पैकिंग है जो मैं आपको इस टाइम ये फेशियल स्क्रब की दिखा रही हूँ, लेकिन रिज़ल्ट जो है ये इसका बहुत अच्छा है। नॉक्सिमा ब्रांड का है, इम्पोर्टेड है ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसी ब्रांड का जो है ये मैं आपके साथ क्लिनज़र शेयर कर रही हूँ। ये भी जी क्लासिक क्लीन ओरिजिनल है, ये भी एक्सट्रैक्शन से बना है यूकलिप्टस के, और ये देता है आपको डीप क्लिनजिंग क्रीम वॉश फॉर अ सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन। ये आपको, ये जो है ये बेसिकली आपके क्लिनजिंग का काम करता है, बहुत ज़्यादा डीप मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को और बहुत ज़्यादा उसको सॉफ्ट और हेल्दी लुक देता है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो है ये आप नाइट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन इसकी भी इंग्लिश में दी हुई है वही है, लेकिन जो मैं इसको बेसिकली यूज़ करती हूँ ना वो ये है कि मैं इसको पाम पे ले लेती हूँ और लेने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा यानी क्रीमी फ़ान से इसको थोड़ा सा लिक्विड में ले आती हूँ, फिर जो है वो ड्राई फेस पे आप इसको मसाज करें। फेस को गीला करने से ये इतनी अच्छी मसाज नहीं देता क्योंकि क्रीम है, क्रीम फॉर्म में है तो वो ज़्यादा गीले फेस पे ये इतना अच्छा फिर ये स्टे नहीं करता। आप इसको पाम पे थोड़ा सा गीला कर ले हाथ से और ड्राई फेस पे जो है फिर इसको क्लिंज करें अच्छी तरह अपने फेस को, तो ये बहुत अच्छा आपको स्मूथ एंड कॉम लुक देता है आपके फेस को। ये अगर आप नाइट में यूज़ करना चाहते हैं, नाइट में क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने कोई भी मल्टीविटामिन क्रीम या नाइट सीरम यूज़ करना होता है तो उससे पहले स्किन जो है वो आपकी अच्छे से क्लेंस होनी चाहिए। तो ये नाइट में जो है ये फेस वॉश आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, बहुत अच्छा ये मॉइस्चराइजिंग का काम करता है।
तो ये बेसिकली दो प्रोडक्ट थे जो नोक्जिमा के जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, जिनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा औसम है। सेकंड वन जो है वो जी न्यूट्रोजीना है। न्यूट्रोजीना जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वेल नोन जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेड है, ब्रांडेड है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने रिज़ल्ट की वजह से। बट एज़ कम्पेयर टू नोक्जिमा, न्यूट्रोजीना का रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना नोक्जिमा का है। अगर हम प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस जो है इन दोनों प्रोडक्ट की सेम है, यानी सेम रेंज में ये प्रोडक्ट हमें पड़ते हैं, लेकिन अगर उसी प्राइस में हम रिज़ल्ट देखते हैं तो नोक्जिमा इज़ नंबर वन। नोक्जिमा का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रोजीना। न्यूट्रोजीना के दो प्रोडक्ट जो हैं जो मैंने यूज़ किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक तो जी इसका है ये डीप क्लीन क्लिंजर है, ये इनविगोरेटिंग का काम करता है, आपकी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, बूस्ट अप करता है, उसको हेल्दी लुक देता है। अब ये जो है ये इसका 2-in-1 वॉश फार्मूला है, यानी आपको वॉश भी देता है और एज अ मास्क भी ये यूज़ करते हैं आप। एज अ मास्क आपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये मास्क की जो है वो भी प्रॉपर्टीज़ देगा। अब इसको करना क्या है, इसको आपने ऐसे ही फेस पे लगाना है। इसकी जो है ये फ्रेंच में है डायरेक्शन, जो ऐसा जो है वो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जो इसका है प्रोसीजर ये यही है कि आप इसको फेस पे लगाएं, लगाने के बाद इसको आप सर्कुलर मोशन में मूव करें, मूव करते हुए अपनी चीक्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे अच्छे से मूव करते हुए अच्छे से क्लींस करें। क्लींस करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दें, मास्क को अपना वर्क करने दें। इसके बाद आपको जो है हेल्दी, फ्रेश एंड इनविगोरेटेड स्किन जो है वो एज अ रिज़ल्ट मिलेगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, तो ये आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अब ये जो है न्यूट्रोजीना का, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है अपने रिज़ल्ट के लिहाज से और अपनी इंग्रेडिएंट के लिहाज से। ये क्या काम करता है, ये जी है ब्लैक हेड्स एलिमिनेटिंग फेशियल स्क्रब है, ये भी स्क्रब है उसी तरह जिस तरह ये नोक्जिमा की है, लेकिन ये किसके साथ डील करती है, ये आपके ब्लैक हेड्स को, इवन ये आपके ब्लैक हेड्स प्रॉन स्किन वाले जो हैं उनको भी ये ट्रीट करता है। यानी आपकी स्किन पे जो है वो ब्लैक हेड्स बहुत अरसे से बन रहे हैं और इनकी रिपेयरिंग जो है वो नहीं हो रही, इनकी वैनिशिंग नहीं हो रही, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इनके लिए भी ये जो है फुल फाइट का काम करता है, उनको भी जो है अपने आपके फेस में से वैनिश आउट कर देता है। तो ये जो है जी ये फार्मूला जो है ये ऑयल फ्री है, यानी ऑयली स्किन वाले भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन इसकी भी फ्रेंच में ही दी हुई है, तो डायरेक्शन इसकी भी यही है कि आप इसको वेट फेस पे अप्लाई करें, जेनरस अमाउंट में ले लें, अपने फेस पे लगा लें और इसको आप अपने फेस के ऊपर स्पेशली ये चिन पे, नोज़ पे और फोरहेड पे जो है ऐसे अच्छा सा मसाज करें। मसाज करने के बाद आप इसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ जो है वो वॉश आउट कर दें। इसको जो है आप एक दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप पीरियोडिकली आपके यानी रिक्वायरमेंट पे है, अगर आप इसको फिर 2 या 3 दिन बाद यूज़ करें तो भी ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके ग्रैन्यूल्स की बात करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इसके ग्रैन्यूल्स कैसे हैं, तो ये जो हैं ये थोड़े से थिक हैं, मोटे हैं ये, यानी आपको फेस पे इसके जो हैं आपको चुभेंगे। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको फेस पे जो है ये फील होंगे कि ये ग्रैन्यूल्स जो है ये इसमें हैं ऐसे के, ठीक है। ये जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये देखें ऐसे ग्रैन्यूल्स जो हैं ये इसके हैं जो आपको फील होंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक हेड्स को जो है वो ट्रीट कर रहा है। लेकिन नोक्जिमा के मामले में, नोक्जिमा जो है इसमें जो ये यूज़ हुए हैं इसमें जो बिल्कुल बारीक वाले
यूज़ हुए हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये जब आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है वो फील नहीं होगा कि आप एक फेशियल स्क्रब यूज़ कर रहे हैं। वो बिल्कुल माइल्ड से है, बिल्कुल लाइट से है, और आपको फील ही नहीं होगा कि आप कोई स्क्रबिंग का काम जो है वो अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं। आप स्मूथली अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, ये बिल्कुल आपको स्मूथ लुक देगा। ये देखें ज़रा, ये मैंने फेस पे हैंड पे लगाया है, और हैंड पे लगाने के बाद आप इसका देखें, इसके इतने बारीक इसके ग्रैन्यूल्स हैं। ये देखें, ये आपको फील हो रहे होंगे वाइट कलर के छोटे छोटे, और ये बिल्कुल कूल काम लगते हैं। लगता ही नहीं है कि आप स्क्रबिंग का काम कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर, और इसका रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, आप इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आएगा, तो आप प्राइसेस पे जो है वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। फिर ये कॉस्टली नहीं लगता, ये बिल्कुल अफोर्डेबल लगता है। तो ये चार चीज़ें थी जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इनके रिज़ल्ट जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये फेस के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा आपको एक बेदाग साफ़ सुथरा चेहरा जो है वो देते हैं, जो हेल्दी लुक देता है या आपको यंगर लुक देता है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।